अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमआरबी टेक सॉल्यूशंस में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल से आप सीखेंगे कि एक्सेल में वीकली सैलरी शीट किस तरह से बनाई जाती है। यहाँ पर मैंने फॉर्मेट पहले से डिजाइन कर लिया है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस तरह चाहे फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले डेट मैंने लिए है, टाइम इन टाइम आउट, टोटल आवर्स, रेगुलर आवर्स और ओवर टाइम आवर्स मैंने ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नाम लिख लिया है और यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है कि किस डेट से वीक स्टार्ट हो रहा है। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए डेट के यहाँ पर नाम। तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद इस डेट पर क्लिक कर देना है और फिर आपने इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर इस डेट को जो दिन है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, जब हम इक्वल प्रेस करते हैं और डेट पर क्लिक करते हैं या जिस सेल पर क्लिक करते हैं उसी सेल का सेम टू सेम डेटा आता है, लेकिन यहाँ पर डेट है, इस जगह पर दिन का नाम आ गया। तो इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, सिंपली जितने सेल्स में आपने इसका डाटा एंटर करना है सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वन प्रेस करें और उसके बाद यहाँ पर कस्टम पे आना है और कस्टम भी यहाँ पर आपने क्या करना है, डी डी डी, तीन दफा डी डी लिख देना है और ओके प्रेस करना है। ठीक है, अगर आप डेट को सिलेक्ट करेंगे किसी भी दूसरे सेल में लेके जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिन का नाम आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें ट्यूसडे चाहिए, इक्वल प्रेस करना है, इस सेल पर क्लिक करना है, प्लस वन और इंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पर ट्यूसडे आ जाएगा। इसको मैं नीचे क्या कर लेता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ, तो यहाँ पर वीक के नेम्स आ गए। अब यहाँ पर हमें चाहिए टाइम इन, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि वीक के सभी दिन जो टाइम इन है वो 8 बजे का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8 AM। ठीक है, और इसको नीचे में क्या कर लेता हूँ, फिल कर लेता हूँ, कंट्रोल डी से फिल कर लिया। जब आपने टाइम लिखना है तब आपने क्या करना है, जितने सेल्स में आपने टाइम लिखना है या जिस कॉलम में आपने टाइम लिखना है सिलेक्ट करना है, कंट्रोल वन प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पर टाइम पे आना है और आपने यहाँ से फॉर्मेट सिलेक्ट करना है और ओके प्रेस करना है। ठीक है, तो आप सिंपली आपने डाटा टाइप करना है, स्मॉल लेटर्स में कर लें, बड़े लेटर्स में एम पी एम लिख लें, ऑटोमेटिकली टाइम फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ पर लिखना है टाइम आउट, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ जी टाइम आउट है जी 4:30 बजे का। ठीक है, 4:30 PM, 4:30 PM। ठीक है, इसको मैं नीचे क्या कर लेता हूँ, फिल कर लेता हूँ। एक दो सेल का टाइम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 5:30। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जी पूरे 5, यानी पूरे 5 बजे टाइम आउट। ठीक है जी, यहाँ पर टाइम इन और टाइम आउट आ गया। अब यहाँ पर हमें चाहिए टोटल आवर्स के कितने घंटे टोटल इसने ड्यूटी की है, तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है, ब्रैकेट शुरू करनी है, जो टाइम आउट है उसमें से माइनस कर देना है टाइम इन, ब्रैकेट बंद करनी है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना है 24 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम फॉर्मेट में रिजल्ट आएगा। इसको नीचे मैं क्या कर लेता हूँ, फिल कर लेता हूँ, परेशान नहीं होना टाइम फॉर्मेट में अगर जो है वो रिजल्ट आए। ठीक है, तो उसके बाद में क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है डाटा को, कंट्रोल वन प्रेस करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आपने जर्नल पर क्लिक करना है और ओके प्रेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर्स में रिजल्ट आ जाएगा। यहां से मैं क्या कर लेता हूँ, इशारे के बाद 2 फिगर्स ले लेता हूँ। ठीक है, इसका मैं ले लेता हूँ सम, तो आर्ट इक्वल प्रेस करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, यानी इसने टोटल 52.5 घंटे काम किया एक हफ्ते के अंदर। यहाँ पर हमें चाहिए रेगुलर आवर्स के, उसके ड्यूटी बनती कितनी है वो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, मैनुअली लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर किसी भी सेल में आप वो लिख लें, उसके बाद पहले ओवर टाइम निकाल लें। ठीक है, यानी इस सेल से ये सेल माइनस करेंगे तो यहाँ पर ओवर टाइम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो टोटल आवर्स है इसमें ओवर टाइम माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेगुलर आवर्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर मैनुअली लिख लेता हूँ कि इसका जी रेगुलर ड्यूटी टाइम जो है वो 8 घंटे। ठीक है,
इसका मैं क्या कर लेता हूँ जी, आर इक्वल प्रेस करके सम ले लेता हूँ, यानी इसके 48 घंटे ड्यूटी टाइम बनता था एक वीक में, लेकिन इसने किया कितना है 52.5 घंटे। यहां पर हमने ओवर टाइम लेना है तो ओवर टाइम के लिए इक्वल टोटल जो घंटे ड्यूटी की उसमें से माइनस कर देंगे जितनी ड्यूटी बनती थी, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा जी, ओवर टाइम आ जाएगा। इसका मैं आर्ट इक्वल प्रेस करके क्या कर लेता हूँ, सम ले लेता हूँ, ठीक है। 4.50 घंटे इसमें ओवर टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर रेट है जी कि जो रेगुलर उसकी ड्यूटी टाइम है उसका पर घंटे का फी घंटे का कितना रेट है, तो मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल 250 रुपए, यानी एक घंटे का 250 रुपए उसका रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे जितना रेट है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने घंटे उसका रेगुलर बनता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, रेगुलर सैलरी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है रेट ओवर टाइम का, मैं अज्यूम कर लेता हूँ जी ओवर टाइम का रेट जो है वो 300 रुपए है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको भी सेंटर में कर लेता हूँ। तो इसके टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है, इक्वल प्रेस करने के बाद जितना रेट है उसको सेट करना है, मल्टीप्लाई कर देना है जितने घंटे हैं उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओवर टाइम की जो सैलरी है वो आ जाएगी एक हफ्ते की, और यहाँ पर लास्ट में क्या करेंगे, इक्वल इन दोनों को क्या कर देंगे, जमा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी सैलरी, नेट सैलरी एक वीक की आ जाएगी, ठीक है। दोस्तों इस तरह सिंपली आप एक्सेल के अंदर वीकली सैलरी शीट बना सकते हैं।